श्रीराम समर्थ फरवरी 27। नाम के प्रति प्रेम क्यों नहीं होता, इतने साल बीत गए फिर भी ज्ञानेश्वर तुकाराम समर्थ रामदास जैसे महान संतों के नाम हमारे स्मरण में हैं। इसका सही कारण यह है कि उनका नाम के प्रति प्रेम था। इन सभी संतों के वचनों वाणी पर हम दृढ़ विश्वास रखते हैं। हमें ऐसा भी लगता है कि हमारा भी उन्हीं की तरह नाम के प्रति प्रेम हो, किंतु वैसा प्रेम हमारे मन में क्यों नहीं पैदा होता, इसका हमें विचार करना चाहिए। उस नाम को उपमा देते हुए उन्होंने कहा है कि वह अमृत से भी अधिक मधुर है। नाम को अमृत की उपमा देते समय हम यह मानते हैं कि अमृत से बढ़कर और कोई बात ही नहीं है, तो फिर उस नाम के प्रति हमारे मन में प्रेम क्यों नहीं होता। अतः यह सच है कि नाम के विरोध में कोई बात जरूर आती होगी। जिस प्रकार हमारे मुंह में शक्कर डालने पर यदि वह हमें मीठी नहीं लगती हो तो उसका दोष शक्कर का नहीं बल्कि हमारा ही, अर्थात हमारे मुंह में स्वाद ही नहीं, ऐसा हम मानते हैं। वैसे ही नाम के प्रति हमारे मन में प्रेम निर्माण नहीं होता होगा तो यह खास बात हो कि वह दोष हमारा ही होगा। नाम के प्रति रुचि या प्रेम निर्माण नहीं होता इसलिए कुछ लोग अलग अलग बहाने करते हैं या अड़चने बताते हैं। किसी से पूछा कि नाम के प्रति प्रेम क्यों नहीं होता तो वह कहता है मेरा विवाह नहीं हुआ है। विवाह होने पर बाल बच्चे होंगे, गृहस्थी ठीक ढंग से होगी, फिर नाम के प्रति प्रेम होगा। मैं तो पूछता हूँ कि विवाह होकर जिन्हें बाल बच्चे हुए हैं उनके मन में नाम के प्रति कितना प्रेम है। कोई कहता है पैसा नहीं है इसलिए गृहस्थी कैसे निभेगी इसकी चिंता है, अतः नाम के प्रति प्रेम निर्माण नहीं होता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिनके पास खूब धन है ऐसे कितने लखपतियों के मन में नाम की रुचि है। कोई कहता है गृहस्थी में बाल बच्चे बीमारी खेतीबाड़ी इनसे परेशानी होती है इसलिए नाम से प्रेम नहीं होता। तो कोई कहता है गृहस्थी से मैं अब ऊब गया हूँ, मैं अब सन्यासी बनूंगा तब मुझ में नाम से प्रेम पैदा होगा। तो कोई गृहस्थी के अत्यधिक दुख से आत्महत्या करने की सोचता है। इस प्रकार जो जिस स्थिति में है उस स्थिति को नामस्मरण के लिए बाधा ही बताता है। क्या हम सचमुच ऐसा कभी सोचते हैं कि नाम के प्रति प्रेम निर्माण न होने के लिए परिस्थिति ही कारण है? नाम के प्रति प्रेम निर्माण न होने के लिए यदि असली कारण कोई होता है तो वह यह है कि हमें मन से ऐसा लगता ही नहीं कि भगवान हमें प्राप्त हो। हमें ऐसा लगना कि हमें भगवान प्राप्त हो तो यह वास्तव में भाग्य का लक्षण है। तुम्हें यदि सत्य से ऐसा लगे कि हमें भगवान प्राप्त हो तो इस इच्छा में ही उसकी उपलब्धि का मार्ग दिखाई देगा। आज का मुख्य विचार, नाम के प्रति रुचि पैदा होना ऐसी विलक्षण बात है कि जिसके मन में रुचि पैदा हो गई तो वह स्वयं को भूल जाता है। अतः हम अपने को नाम के प्रति समर्पित करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.